केलोंग क्षेत्रीय अस्पताल में मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य कुंगा बोध ने बताया कि घाटी के लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप करवाना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के और भी मेडिकल कैंप लगवा कर लोगों को मदद पहुँचाई जाएगी। आज यहाँ क्षेत्रीय अस्पताल केलोंग में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेहर चौक में है, उनकी तरफ से, हमारे सीएमओ साहब की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। हमने काफ़ी समय से डिमांड किया था कि यहाँ समय समय पे मेडिकल कैंप होना चाहिए। आज यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप हो रहा है, जिसमें ये हमारे आँख के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन है, मेडिसिन है, गाइनी है, सर्जन है और अल्ट्रासाउंड के रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कैंप चल रहा है, दूर दूर से लोग आए हैं। तो अभी भी ये कैंप चल रहा है और शाम तक चलेगा। तो मैं सभी लोगों से, आसपास जितने भी हैं, आप सभी से, स्थानीय लोगों से भी और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए यहाँ पर, स्वास्थ्य लाभ लीजिए। इतने अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर आप लोगों की के लिए आए हैं, तो इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ। मैं एक बार फिर से पूरे हमारे सीएमओ साहब और जितनी भी डॉक्टर्स की टीम है और यहाँ के केलोंग के जितने भी स्टाफ है, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे स्थानीय लोगों के लिए उन्होंने यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी एक स्क्रीनिंग मेडिकल कैंप कराया, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसका फ़ायदा उठाएँ। सी डी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।